16 देखिए, बगल के आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर एस कोई बिंदु है, है ना। तो दिखाना है कि एस क्यू और प्लस एस आर है ना, ये छोटा है किससे, पी क्यू प्लस पी आर के योग से। यार आपके संकेत में दिया है कि क्यू एस को हम लोग टी तक बढ़ाए हैं, ठीक है, क्यू एस को हम लोग टी तक बढ़ाए हैं, और टी कहाँ काट रहा है, पी आर पे काट रहा है। तो ये संकेत में दिया, तो इसको हम लोग रचना में वहां लिख देंगे। चलिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या, दिया है त्रिभुज ए सॉरी पी क्यू आर के अभ्यंतर अभ्यंतर अभ्यंतर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के अभ्यंतर एस कोई बिंदु है, एस कोई बिंदु है, ठीक है। चलिए एस कोई बिंदु है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यहाँ जो एस क्यू है और प्लस एस आर जो है, इन दोनों का योग पी क्यू प्लस पी आर के योग से छोटा है, ठीक है। यहाँ रचना में क्या किए हैं, जो संकेत में लिखा है ना, वो रचना में आपको लिख देना है कि क्यू एस को है ना कहाँ तक बढ़ाया है, टी तक बढ़ाया, टी तक बढ़ाया, ठीक है, टी तक हम लोग इसको बढ़ाए हैं, है ना। और टी तक बढ़ाए हैं जहाँ टी पी आर पर स्थित है, पी आर पर स्थित है, ठीक है। चलिए इसका प्रमाण देखिए, यहाँ देखते हैं हम लोग एक एक करके, त्रिभुज पी क्यू टी में, ध्यान से देखिए, पी क्यू टी में, इस त्रिभुज में, चलिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि पी क्यू प्लस पी टी, पी क्यू प्लस पी टी बड़ा हो जाएगा क्यू टी से, पी क्यू प्लस पी टी बड़ा हो जाएगा क्यू टी से, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है, बड़ा होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से ये आपको पता चल गया, इसको समीकरण एक मान लीजिए। उसी तरह से हम लोग चलते हैं, एक छोटा सा त्रिभुज लेते हैं यहाँ से आर एस टी में, यहाँ देखिए आर एस टी में, इस छोटे त्रिभुज में आप वहां पर लिख सकते हैं कौन कौन सा, तो आप वहां से ले लीजिए टी आर प्लस एस टी का योग जो होगा बड़ा होगा किससे, आपके एस आर से, ठीक है, एस आर से ये बड़ा होगा, इसको समीकरण दो मान लीजिए। और ये भी इसी कारण हो रहा है, देख लीजिए एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, ये टी आर है ना और प्लस एस टी, इन दोनों का योग जो होगा इससे तो बड़ा होगा ना, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए जोड़िएगा तो इसमें जो जो है उसका नाम लिखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू प्लस पी टी प्लस टी आर प्लस एस टी, है ना, इधर वाले चार आ गए, और ये बड़े हो जाएंगे किससे, क्यू टी प्लस एस आर से, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इस चीज को फिगर में देखिए, यहाँ पे ये देखिए पी क्यू को पी क्यू रहने दीजिए, पी क्यू रहने दीजिए, और प्लस पी टी और टी आर, देखिए पी टी और टी आर ये दोनों मिलके पी आर हो जाएगा कि नहीं, चलिए इसको पी आर कर दीजिए, इसको एस टी को एस टी रहने दीजिए, इज ग्रेटर देन, अच्छा देखिए यहाँ क्यू टी है, क्यू टी ये पूरा, तो इसमें दो है एस क्यू और प्लस एस टी, देख लीजिए एस क्यू और एस टी ये दोनों मिलके हो रहा है ना, और प्लस है आपका एस आर। अब देखिए दोनों तरफ से एस टी हटा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू प्लस पी आर बड़ा हो जाएगा इनका योग एस क्यू और प्लस एस आर से, एस क्यू प्लस एस आर से, या आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एस क्यू प्लस एस आर छोटा है पी क्यू प्लस पी आर के योग से, यही आपको दिखाना था ना, यहाँ से ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गए। अब इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको कोई लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की जरूरत हो, या किसी तरह का हेल्प चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301777
8899 पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।